बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बेबाक अंदाज को लेकर हमेशा ही सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, लेकिन इस बार धीरेन्द्र शास्त्री अपने बयान को लेकर चर्चा में नहीं आए हैं, बल्कि बिहार की वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव के कारण एक बार फिर सोशल मीडिया पर छा गए। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 13 मई को पटना आ रहे हैं। उनके आने के लिए पटना में तैयारी भी शुरू हो गई है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर खूब बवाल भी हुआ था। वहीं अब बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने भी अब उनको कड़ी चेतावनी दे दी है और कहा है कि अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुस्लिम को लड़वाने के लिए बिहार आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, एयरपोर्ट पर घेराव करूंगा, भाईचारा का संदेश देंगे तो बिहार में उनकी एंट्री हो सकती है। बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, उनको एयरपोर्ट पर घेराव में करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा आएंगे और हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे, अगर भाईचारे का संदेश देंगे आकर के कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो उनका बिहार में एंट्री हो सकता है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वहीं तेज प्रताप यादव हमेशा बीजेपी पर हमलावर रहते हैं। गुरुवार को उन्होंने कहा कि तेजस्वी तेज प्रताप आए तो बिहार में बीजेपी का सफाया हो गया, लालू यादव बिहार आएंगे तो केंद्र की बीजेपी सरकार की सफाया होगी, ये मेरी भविष्यवाणी है। वहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी के आरोप पर उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का कैप्टन नरेंद्र मोदी और अमित शाह है। बता दें कि बागेश्वर धाम की सरकार का कार्यक्रम पटना में 13 मई से शुरू हो रहा है, वो पहली बार पटना आ रहे हैं। 17 मई तक पटना के गांधी मैदान में कार्यक्रम होगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने काफी कम उम्र में अपनी पहचान बना ली है, लाखों लोग उनके भक्त हैं। हाल ही में वह हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहकर खूब सुर्खियों में आए थे। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वीडियो में जनता को संदेश देते हुए भोजपुरी में कार्यक्रम की जानकारी दी। 13 मई से और पटना आ रहे हैं, आज ही हमारी वहाँ की चर्चा हो रही थी। और बिहार तो ना का बाद हो रहा, सब ठीक बानी, जुग जुग जियाला, अमर हो जा, हाँ गोड़ लागू। तो बड़ा आनंद आएगा। मैं बता दें कि बागेश्वर बाबा पहली बार पटना आ रहे हैं। श्री हनुमंत कथा की पूर्व संध्या पर 12 मई को दीघा घाट से गांधी मैदान तक भव्य कलश शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें 5100 महिलाएं कलश लेकर चलेंगी। वहीं बताया जाता है कि कलश यात्रा में हाथी, ऊंट, घोड़े और बैंड भी शामिल होंगे। उनका जगह जगह धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के द्वारा स्वागत किया जाएगा। अब देखना यह है कि तेज प्रताप के विरोध के बाद यह कार्यक्रम हो पाता है या नहीं। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे जनहित टाइम्स।